Hello friends, welcome to Topper's World. My name is Praveen Kumar and today I have brought for you something very interesting. और देखने में थोड़ा अजीब सा भी आपको लगेगा, अटपटा सा लगेगा कि ये है क्या, क्या लिख दिया इस बोर्ड पे मैंने. हाउ टू स्टील बैंड्स इन स्पीकिंग, आप कैसे बैंड्स चुरा सकते हैं एग्जामिनर से, एग्जामिनर से आपने बैंड कैसे छीनने हैं चुराने हैं, आज मैं उन ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा. और फ्रेंड्स, ये कोई हवा में की बात नहीं है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट यू कैन गेट मोर बैंड्स एंड यू कैन डोमिनेट योर एग्जामिनर इन दिस वे. सो वो टेक्निक क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँगा गिव इंटरेस्टिंग रिप्लाइज. सो हमारे जो आंसर होने चाहिए वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, कुछ यूनिक होने चाहिए, कुछ रूटीन से अलग होने चाहिए. आजकल हो क्या रहा है एग्जाम्स में कि जो भी बच्चे वहाँ पे अपीयर होते हैं, ज़्यादातर बच्चे एक रटे रटाए स्टीरियोटाइप आंसर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन होता है, मोस्टली ये पूछा भी जाता है कि व्हाट आर योर हॉबीज और व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम. तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं वहाँ पे, आई लाइक टू वॉच टीवी, लिसन म्यूजिक, रीड बुक्स, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक. 90% स्टूडेंट के पास यही आंसर होता है. देखो एग्जामिनर भी इंसान है, दे आर ह्यूमंस, एंड उनको ये आंसर सुन सुन के वो अक गए हैं, उब गए हैं ये आंसर सुन सुन के. और आजकल जैसे एग्ज़ाम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो डेली उन्होंने 30, 35, 40 स्टूडेंट्स के साथ स्पीकिंग करनी होती है. तो इफ दे लिसन द सेम आंसर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट, देन हाउ कैन दे गिव मोर बैंड्स टू एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट. उनको लगता है सब एक ही जगह से आ गए हैं सारे. तो अपने आंसर्स को हमें यूनिक बनाना, हम कैसे यूनिक बना सकते हैं. सपोज यही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम और इन योर फ्री टाइम, तो इसको हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं. कि हम कह सकते हैं कि इन लेक्चर टाइम आई लव टू टॉक विद एल्डरली पर्सन, या आई लाइक टू स्पेंड माई फ्री टाइम विद एल्डरली पर्सन और विद माई ग्रैंड फादर, विद माई ग्रैंड मदर और विद माई नेबर्स. और आप ये भी कह सकते हैं आई लव टू डू किचन गार्डनिंग, आई लव टू लर्न म्यूजिक. सो कुछ डिफरेंट से आंसर्स देने की कोशिश करें, बार बार आप सेम आंसर ना दें जो सारे लोग देते हैं. सेकेंड थिंग जो है, रिलेट योर सेल्फ विद एग्जामिनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने आप को एग्जामिनर के साथ रिलेट करना है. दोस्तों क्या होता है कि ह्यूमन नेचर में यही है कि हम अगले बंदे की छवि जो होती है, अपनी छवि जो होती है, वो अगले बंदे में देखना चाहते हैं. मींस अगर मुझे वो अगला बंदा अपने जैसा लग रहा है तो मैं उसके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करूँगा, फ्रेंडली हो जाऊँगा, वो मुझे अच्छा लगने लगेगा. और ये इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यूज़ में, इफेक्ट पड़ता है चाहे जॉब इंटरव्यूज़ हों, IAS इंटरव्यूज़ हों, या फिर IELTS की इंटरव्यू हो. वैसे तो एग्जामिनर दे आर वेरी स्मार्ट पर्सन्स, बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक बच्चा भी छुपा होता है. तो अगर आप अपने आप को सक्सेसफुली एग्जामिनर के साथ रिलेट कर लेते हैं, और रिलेट करना कैसे होता है, जैसे कि मान लो एग्जामिनर आपको पूछता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर लाल हो, पर अगर आप देखें कि एग्जामिनर ने ब्लू शर्ट डाली हुई है तो आप तुरंत से बोलें माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू. आपने उसके चीज़ को कोई खूबी को आइडेंटिफाई करके उसको फिर आपने उजागर करना है, उसकी प्रेज करनी है. अगर आपको वो पूछता है कि विच काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू टॉक विद मोस्टली, तो एग्जामिनर यूजली एल्डरली पर्सन होते हैं, 50 प्लस होते हैं. तो आप कहें कि आई लव टू टॉक विद एल्डरली पीपल, आई लाइक टू सिट विद देम एंड इन्जॉय देयर एक्सपीरियंस. तो इन ऐसे आंसर से उनको अच्छा लगेगा. दूसरी बात, आप जब एग्जामिनर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम बताता है, उस नाम को ध्यान से सुने, क्या वो इंग्लिश नेम है, साउथ इंडियन नेम है, पंजाबी नेम है. उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर की बैकग्राउंड क्या है. तो हमने क्या करना है कि जैसा एग्जामिनर का सपोज क्रिश्चियन नेम है तो नेचुरली वो क्रिश्चियन होगा, तो उसको चर्चेज अच्छे लगते होंगे, उसको केक्स, पेस्ट्रीज और पिज़्ज़ाज ऐसे खाने अच्छे लगते होंगे, वो टूरिज्म उसको अच्छा लगता होगा, वो ऐसे प्लेसेस में जाना पसंद करता होगा जहाँ पे क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में हो. तो आप भी अपने आंसर्स को कुछ बदल दें, कुछ ऐसा कहें कि जैसे आई लव टू गो टू गोवा, आई लव द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स एंड डिज़ाइंस ऑफ क्रिश्चियन चर्चेस. तो कुछ ऐसा बोलें जिससे आप उसके साथ रिलेट कर सकें. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बार बार आप अपने पंजाबी कल्चर के बारे ही भी बोलें. हमने वहाँ पे अपना कल्चर शो करने नहीं जाना, वी आर जस्ट देयर टू ग्रैब द बैंड्स, द गेट द बैंड्स. कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि बच्चे जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं. कई स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं,
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट द मोस्ट? आई लाइक टू ईट मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग। और भाई इसको वहाँ पे छोड़ दो, अपने घर पे ही छोड़ दो, वहाँ पे जाके आप कुछ इजी डिश बोलो जिसके जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं और जिसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मक्की दी रोटी और सरसों का साग दिस इज वेरी टफ डिश टू एक्सप्लेन, इसकी इंग्रीडियंट्स, इसके प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप सिंपली वहाँ पे ब्रेड ऑमलेट बोल दो, कोई बात नहीं, हमने तो बैंड लेने हैं, हमने कोई कल्चर की एग्जीबिशन नहीं करनी वहाँ पे, तो इतना इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं होती। जस्ट प्ले द ट्रिक्स, जो एग्जामिनर अगर आप पे डोमिनेट होने की कोशिश करता है तो आप ही कुछ गेम खेलें और आप डोमिनेट, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू ओवरहैम द एग्जामिनर और उसको अपनी बातों में उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। तो थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, बी लाउड एंड क्लियर। मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन सीन दैट स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक वेरी लाउडली एंड वेरी क्लियरली। इससे क्या होता है कि आपके बैंड्स कम हो जाते हैं, आपको एनर्जी के साथ बोलना है और ऊंची आवाज़ में बोलना है, क्लियर बोलना है। इससे ही एक बैंड का फर्क पड़ जाता है, जो स्टूडेंट छः बैंड पे जिनकी परफॉर्मेंस टिकी होती है, दे कैन गेट सेवन बैंड्स इफ दे आर लाउड एंड क्लियर इनफ। और ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना, आप कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, फ्लुएंटली बोलूँगा, बहुत फास्ट इंग्लिश बोलूँगा तो बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, आपको नेचुरल स्पीड से बोलना है, पॉजेज लेके बोलना है और वेट करनी है, और एग्जामिनर का रिस्पॉन्स लेने की भी वेट करनी है कि वो भी अपना सिर हिलाए साथ साथ में, अपनी आँखें झपके और आपको रिस्पोंड करें। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपना बोलते जाते हैं जैसे अपने आइडियाज़ की वॉमिटिंग कर रहे हों और वो वेट ही नहीं करते एग्जामिनर के रिस्पॉन्ड की। तो दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन में आप यू कैन नॉट गेट द गुड बैंड्स। तो आपको क्लियर होना है, लाउड बोलना है और पॉजेस के साथ बोलना है। पोस्चर, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोस्चर, आप किस तरह बैठे हैं वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पीछे चेयर के साथ डो लगा के सपोर्ट लेके ऐसे जैसे वो लेटे होते हैं चेयर पे ऐसे बैठ जाते हैं, या बड़े ढीले से बैठते हैं। तो अगर इस तरह के पोस्चर में बैठोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये मैसेज दे रही होती है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉक, या आप घबराए हुए हैं। देखो पोस्चर में कैसे बैठना है कि आपने थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होकर बैठना है, थोड़ी सी चिन्ह अपनी ऊपर करनी है, अपनी चिन्ह ऊपर करके बैठे, आगे झुक के बैठे जैसे कि सोल्जर्स बैठते हैं, और अपने शोल्डर्स को आप थोड़ा पीछे रखें। इससे क्या होगा कि आप ऐसे लगेंगे जैसे आप बिल्कुल निडर हैं, आपको कोई डर नहीं है, यू आर वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। एंड द लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द केस। स्माइल जो होती है वो हमारी घबराहट को छुपाती है, हमारी नर्वसनेस को छुपा लेती है। हल्की सी स्माइल फेस पे रखने से क्या होता है, एग्जामिनर को लगेगा कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है और इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी अच्छी है, और वो आपसे प्रभावित होगा ही होगा। अगर दोस्तों आप इन टिप्स को फॉलो करें, आज से फॉलो करना शुरू कर दें अपनी स्पीकिंग में या अपनी प्रैक्टिस में, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर एंड ही और शी विल नॉट हैव एनी एक्सक्यूज टू गिव यू लेस बैंड्स। वो आपसे प्रभावित होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंड देगा। थैंक यू वेरी मच, दीज आर द गोल्डन टिप्स, आई थिंक यू विल एंजॉय देम एंड ऑल्सो अप्लाई इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।